नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनुवाड़ी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आपने दौड़ती हुई भैंस देखी है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये दौड़ती हुई भैंस जो है आप कई तरीके से देख सकते हैं, या तो एक भैंस हो सकती है या कई सारी भैंसें हो सकती हैं, इससे मतलब नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वो कहीं पर मैदान में यूं ही दौड़ रही है तो वो चीज़ अलग होती है, या फिर आप ऐसा देख रहे हैं कि भैंस जो है आपकी तरफ दौड़ के चली आ रही है तो उसका मतलब कुछ और ही होता है। पर यहीं पर मित्रों, यदि आप भैंस को गुस्से में देख रहे हैं तो हम यहाँ पर गुस्से में भैंस को दौड़ते हुए देखने की बात नहीं करेंगे। भैंस साधारण ऐसे दौड़ रही, चाहे वो अपने आप ऐसे मैदान में चक्कर लगा रही हो या फिर आपकी तरफ दौड़ के आ रही हो, एक भैंस हो या फिर अनेकों भैंस हो, इससे मतलब नहीं है। तो हम इस सपने की व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, यह सपना चाहे किसी स्त्री ने देखा हो या किसी पुरुष ने देखा हो, हम सबके लिए ही सपने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सपने का मतलब बताने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि सपने का जो मतलब बताया जाता है, मेरे जीवन में वो घटना घटित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, वास्तव में अगर किसी सपने का फल हमको शीघ्र ही मिल जाता है तब तो हम उसको सच मान लेते हैं, और यहीं पर यदि किसी सपने का फल जो है विलंब से मिलता है तो हम उसे गलत मान लेते हैं। जबकि होता क्या है, सपने रात्रि के किस पहर में आप देख रहे हैं, इनके फलित होने की अवधि काफ़ी हद तक उस बात पर निर्भर करती है। मित्रों, यदि आप रात्रि के प्रथम पहर में यानी कि 12 बजे के आसपास कोई सपना देखते हैं तो इस सपने को फलित होने में लगभग 1 साल तक का वक्त लग जाता है, 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाता है। यहीं पर यदि आप जो है 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देख रहे हैं तो ये सपना जो है 4 से 6 महीने में अपना फल ले लेता है, और यदि आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4:15 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं तो ये सपना जो 1 से 1.5 महीने में अपना फल ले लेता है, और यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से जस्ट पहले कोई सपना देखते हैं तो यह सपना जो है 24 से 48 घंटे में अपना फल ले देता है, फिर वो चाहे शुभ हो या फिर अशुभ। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सपने में यदि आपने भैंस को दौड़ते हुए देखा है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सपने में भैंस को दौड़ते हुए देखना भारतीय स्वप्न विज्ञान में सपना देखना आपके लिए शुभ बतलाया गया है। दोस्तों, सपने में भैंस को दौड़ते हुए देखना कोई अशुभ सपने नहीं होता है, अतः इस सपने को देखने के पश्चात घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, सपने में भैंस को दौड़ते हुए देखना भारतीय स्वप्न विज्ञान में यह बतलाया गया है कि यह आपके जीवन में आने वाली खुशहाली का प्रतीक है। आप जिस अवसर की काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अवसर शीघ्र ही आपको मिलने वाला है। यहीं पर मित्रों, यदि आप जो है सपने में भैंस को दौड़कर अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं तो यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द ही आपके हाथ कोई बड़ी सफलता लगने वाली है, आपका शुभ समय जल्द ही शुरू होने वाला है, अर्थात ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने हर कार्य को सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें तो निश्चित तौर पर आपको जो है आपके कार्य में सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका जो वातावरण है परिवार का और आपके मन का जो वातावरण है, अंदर का जो अंतस्थल का वातावरण है, वह भी काफ़ी सकारात्मक रहेगा और काफ़ी ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे आप। लेकिन मित्रों, यदि आप सपने में भैंस को क्रोध अवस्था में दौड़ते हुए देखते हैं यानी कि गुस्से में आपकी तरफ दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही, तो वो सपना शुभ नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, और साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच सके। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी सपने का मतलब जान सके तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।